ओके तो यहाँ पे ना हम लोग ऑलमोस्ट अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ना ये लाफिया तक डिलीवर करना है। ओ भाई फंसना मत, प्लीज फंसना मत। तो दोस्तों स्वागत है यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के पार्ट 3 एपिसोड में। यहाँ पे आज ना हम लोग के पास बहुत अच्छा अच्छा गोल्स है। आज हम लोग भाई अपने लिए एक ब्रांड न्यू ट्रक परचेज करने वाले हैं, मतलब एक पर्सनल ट्रक रहेगा ये मेरा। इसके पहले मतलब मेरे पास टोटल में ना 2 ट्रक्स ओवरऑल है अभी तक, बट वो जो दोनों ट्रक्स है ना वो एक्चुअली ड्राइवर चला रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग के ड्राइवर्स है ना ये भी हम लोग के लिए ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। अभी ये आइडल है, मतलब अभी ये जॉब नहीं कर रहा है, ये बेट्स अभी ऑन रोड है, मतलब ये वर्क कर रही है। बट इनका ना यार ये रेटिंग पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा, मतलब इन लोग क्या करना चाह रहे हैं। अच्छे से कर लेंगे मेरे को पता है, थोड़ा और हम लोग इसको टाइम देंगे अगर तो हम लोग ले करेंगे। ओवरऑल हम लोग का जो गैराज पैसा निकाल के दे रहा है ना, एवरेज डेली प्रॉफिट है $1,500 समथिंग, एंड हम लोग के पास ना अराउंड $260,000 है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं इतना सारा पैसा मैंने कहाँ से लाया, लास्ट टाइम तो मेरे पास अराउंड 80,000 थे। ऑफ कैमरा मैंने बहुत सारे मिशन करे हुए थे बट उसका जो मैंने डिटेल्स था वो रिकॉर्ड करके रखा था। एक एक करके आप लोग को देख रहा होगा कि यहाँ पे मैं मतलब ओवरऑल 1800 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ये सारे डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करके ये सब अर्निंग किया है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा यार। इसीलिए ये जो पार्ट 3 एपिसोड है ना थोड़ा डिले हो गया आने में, ज़्यादा ही डिले हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज एक वीडियो बना ही लेते हैं। आज मैं परचेस करूंगा एक अपने लिए ब्रांड न्यू ट्रक, जो कि हम लोग शायद मॉड डीलर से मैं परचेस करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 मॉड्स डाल के रखे हैं। एक तो मर्सिडीज का डाल के रखा है प्लस एक स्कानिया का डाल के रखा है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ स्कानिया का ही परचेस करूंगा। लेट्स सी अभी हम लोग के पास कौन कौन से लेवल तक अवेलेबल है। ओके यहाँ पे ये स्कानिया T4 सीरीज अवेलेबल है। इसमें ना 220 हॉर्स पावर जो कि कम है फिलहाल देखा जाए तो, एक तरीके से जी नॉर्मल में भी 220 है। एक बार ना हम लोग नॉर्मल जो स्कानिया के डीलर्स है ना उनके में देख लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये जो ट्रक है ये ट्रक एक्चुअली हम लोग के दोनों ड्राइवर्स के पास है, बट मैं ऐसा वाला नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अच्छा खासा ले यार। ओ यार ये ट्रक मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, स्कानिया आर हाईलाइन, बट इसका प्राइस देखो $230,000 ना, अभी अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा मैं। अराउंड 150 तक हम लोग देखते हैं, 150 में ये स्कानिया आर हाईलाइन ये भी है, बट यहाँ पे मतलब इसमें ना हम लोग के एक्स्ट्रा व्हील्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अराउंड 6 व्हील्स हम लोग अवेलेबल है, जो कि $146,000 का है एंड 540 हॉर्स पावर है। क्यों ना हम लोग इसी को परचेस करें पहले यहाँ पे, लेकिन परचेस करने हम लोग को अलाउ कर नहीं रहा है, आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है यार। ये ना 16 लेवल के बाद अवेलेबल होगा। फिलहाल तो हम लोग के पास ये स्कानिया T4 नॉर्मल जो मैंने वहां पे देखा है। बाकी यार मेरे को लग रहा है ना अभी लो हॉर्स पावर वाले ही सारे अवेलेबल हैं, जो कि लाइक मेरे को एक तरीके से ना हम लोग इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे $116,000 का है, तो यार इसी को परचेस करते हैं फिलहाल। ब्रांड न्यू ट्रक मेरे लिए खुद का पर्सनल एक ट्रक रहेगा, इसको मैं लाइक किसी भी ड्राइवर को असाइन नहीं करूंगा। यहाँ पे हम लोग इसी को ड्राइव करेंगे, एंड हम लोग ना आज ट्राई करेंगे एक लॉन्गेस्ट डिलीवरी करने का ये सीरीज में। मतलब अभी ना मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने मेरे को लेवल्स अपग्रेड हुए थे, तो उससे ना मैंने पूरा स्किल्स जो है अपना यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का हम लोगों ने पूरा करके रखा है। मतलब हम लोग को ना अराउंड 3 लाइक कहीं भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं अभी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा जॉब लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग रहे जिसमें मजा भी आएगा एक्सिल चलाने में। ओके तो हम लोग अपना ना ब्रांड न्यू ट्रक चला के देखते हैं कि किस तरीके से लाइक ये काम करता है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा लुक है, क्या साउंड है, ये सारे अभी हम लोग इसमें फिगर आउट करते हैं कैसा है ये। बाकी मेरे चैनल में आप लोगों को ना इसी टाइप के सिम रेसिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। हीरो ट्रक रहेगा, एसेटो कोर्सा रहेगा, फोर्जा होराइज़न 5, बीएमजी, सारे गेम्स मैं खेलता हूं। अगर आप लोग को ऐसे गेम्स पसंद है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर से दबाइएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो लाऊंगा आपके तरफ नोटिफिकेशन चले जाए। एंड अभी हम लोग का हेड ट्रैकिंग ऑन है, जो कि लाइक हम लोग को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ये फीलिंग देता है। हम लोग का ब्रांड न्यू ट्रक का फर्स्ट स्टार्ट, एंड लाइक बेसिक साउंड है, ऑब्वियसली साउंड तो एकदम बेसिक ही रहेगा, मेरे को ज्यादा एकदम वो नहीं लग रहा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 230 हॉर्स पावर है इसमें। बट यार एक हम लोग का पर्सनल ट्रक रहेगा ये, जो कि लाइक बहुत अच्छा। ओ भाई मैंने क्रैश किया गंदा वाला, कोई इशू नहीं है, ब्रांड न्यू ट्रक है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें से। ओके तो इसका लुक ना अभी बेसिक सा है, ऑब्वियसली हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे इन फ्यूचर। पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ $143,000 है, एंड हम लोग के पास हम लोग के ऊपर ना एक लोन भी है $400,000 का, जो कि लाइक धीरे धीरे रीपे हो रहा है अपने से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के जो जो ड्राइवर्स हैं ना वो भी हम लोग को अर्न करके दे रहे हैं पैसे, जो कि यार मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को यहाँ पे फुल ऑन लाइक बहुत सारे ड्राइवर्स मेरे को चाहिए अपने लिए, ताकि हम लोग को ना उन लोग अच्छा खासा अर्निंग करके दें। तो अभी हम लोग भाई एक लॉन्गेस्ट डिलीवरी करने जाते हैं, पहले तो मेरे को यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा,
देन मैं लाइक जॉब मार्केट में देखता हूँ कि हम लोगों को कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट डिलीवरी है। एंड मैं ना आज एक नए लोकेशन पे ट्रैवल करने का ट्राई करूंगा, लाइक एक अच्छे बड़े सिटी में जाने का ट्राई करूंगा, जहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक गैराज परचेस करें अगर हम लोग के पास पैसे रहेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग एक बड़े सिटी में जाएंगे, बड़े सिटी में रहेंगे ना, तो हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को ग्रो करने का ना अपने ट्रक कंपनी को बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा ही हम लोग क्यों ना करें। देखो यहाँ पे अल्बेनिया, ओ भाई 2800 किलोमीटर्स, भाई बहुत ज्यादा लॉन्ग है। लॉन्गेस्ट डिलीवरी में हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन सा है। आई थिंक 2897 है, मैं जो देख रहा था वही वाला है, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोमेनिया या तो चेक रिपब्लिक साइड कहीं पे जाने का देखेंगे। बर्लिन भी जा सकते हैं, बर्लिन भी अच्छा खासा लोकेशन है। लेट्स सी, पहले तो प्राइस के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। ओके यहाँ पे ना ये हम लोग डेनमार्क से रोमेनिया तरफ, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। एंड ये हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, ट्रैक्स, मतलब एक ट्रेन के शायद वो व्हील्स रहते हैं, शायद उसको डिलीवर कर रहे हैं। भाई ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा डिलीवरी लग रहा है ये। यहाँ पे हम लोग 1600 किलोमीटर चेक रिपब्लिक। यार मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर मैं रोमेनिया जाऊँ या तो चेक रिपब्लिक जाऊँ। यार ये ना डिलीवरी करने में भी मजा आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। 25 टन का है ट्रक, डंपर ट्रक है, तो हम लोग इसी को लेते हैं, हम लोग इसी के तरफ चलते हैं। हम लोग को ना पहले यहाँ से ये हम लोग को लोविसिया जाना पड़ेगा, हेलसिंकी जाना पड़ेगा, मतलब फिनलैंड जाना पड़ेगा। फिनलैंड से फिर हम लोग यहाँ पे अपना डिलीवरी स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग जाएंगे चेक रिपब्लिक में ओलो मॉक करके है भाई, पता नहीं क्या नाम है। ओके लेट्स गो, हम लोग इसी तरफ लोकेशन पे चलते हैं। भाई फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ अपना ट्रक, लाइक इतना लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, जो कि मेरे को ही पेट्रोल का पैसा भरना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कंपनी कवर नहीं करेगा, जो कि थोड़ा मेरे ख्याल से डंब मूव हो सकता है। आई डोंट नो, देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। यार मैं सोच रहा था ना इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ना मेरे को पैसे, जो मेरा लोन है ना, एटलीस्ट जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा ना, देन उसके बाद हम लोग यार पैसे खर्चे कर सकते हैं। बिकॉज वो जो पैसे रहेंगे ना, कहीं पे भी हम लोग को लाइक वापस नहीं करना है किसी को, ना ही कुछ करना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो पैसे हम लोग फिर वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। बट पहले हम लोग को लोन भरना ही पड़ेगा यार। लोन भरने में ना मेरे को थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है, बिकॉज यार ऑब्वियसली $400,000 का लोन है, जो कि बहुत ज़्यादा। ओ मैंने टर्न मिस कर दिया एंड बाय। ओके लेट्स गो, यहीं से हम लोग यू टर्न मारेंगे, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भाई लो हॉर्स पावर है यार, पिकअप ना बहुत स्लो है इसका। 1200 किलोमीटर्स अभी हम लोग को ट्रैवल करना है, ये जो हम लोग का डिलीवरी स्टार्ट होगा वहाँ से फिर। तो यार ये अभी मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तो फिलहाल मैं 1200 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेता हूँ, हम लोग डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। ओके तो यहाँ पे ना हम लोग ऑलमोस्ट अपने लोकेशन पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे मैंने रेस्ट भी किया एंड यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूल अप कर लिया है पेट्रोल पंप में। चलते हैं अभी हम लोग अपना जो लॉन्गेस्ट डिलीवरी है, लॉन्गेस्ट नहीं बोलूंगा बट एक तरीके से लाइक हैवीएस्ट हम लोग का डिलीवरी रहेगा पर्सनल ट्रक में, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यार 8% अपने ट्रक को डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग अपने जहाँ से हम लोग को डिलीवरी लेना है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ओ भाई ट्रक मेरे को मोड़ना है यहाँ पे, तो पीछे कोई नहीं है। ओके चलो अब बस रुक जा, देख रो। ओ भाई दैट वॉज क्लोज, ट्रक वाले रुकेगा भाई, क्या करना चाह रहे हैं इन लोग रोकते भी नहीं है। मैं इंडिकेट करके रखा हूँ भाई, रुक जा मत ठोकना प्लीज। यही प्रॉब्लम है आप लोगों को बोला ना ऐसे ही होता है, ये ट्रैफिक बिल्कुल भी लाइक रुकता ही नहीं है अपने लिए। ओके तो यहाँ से हम लोग अपना जो डंपर ट्रक है हम लोग उसको लेना है अभी यहाँ पे। लेट्स सी कैसा डंपर ट्रक है, हम लोग का जो ट्रक है हैंडल कर पाएगा कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ 230 हॉर्स पावर है यार, डाउट मेरे को थोड़ा बहुत है। आई होप यहाँ पे ना हम लोग को ज़्यादा चढ़ान ना रहे, जिससे हम लोग को दिक्कत ना हो। फ्रेट मार्केट देन। ओ भाई यहाँ पे टैंकर भी है, टैंकर में भी चेक रिपब्लिक लेके जा रहा है। ओ यार यहाँ पे एक गलती हो गई हम लोग से, हम लोग ना लेट आए हैं, जिससे जो डंपर ट्रक है ना वो एक्चुअली कोई और ने पिकअप कर लिया है। एंड लातविया, यार देखो एक चीज़ कर सकते हैं, 470 किलोमीटर्स है, 470 किलोमीटर्स ले जाके लातविया से हम लोग फिर इस लोकेशन पे कहीं पे जाने का ट्राई कर सकते हैं। यही करता हूँ मैं, लाइक यहाँ पे हम लोग को दो जॉब हो जाएगा साथ में,
तो हम लोग को एक्सपी भी अच्छा खासा मिलेगा। एक टैंकर आप लोग को सामने दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो टैंकर है, हम लोग इसको भी ले जा सकते थे, बट मैं सोचा है क्यों ना हम लोग छोटा वाले ही ले जाते हैं। हम लोग को इसी साइड से पिकअप, ओके इसी साइड से हम लोग को इसको फिट करना है। तो यार ये जो हेड ट्रैकिंग है ना, ये मतलब अब ऐसा मेरा हैबिट हो गया इससे कि मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा ये गेम को। देखो कितना परफेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे टो करना स्टार्ट किया उसको। तो यहाँ पे हम लोगों ना ये लातविया तक डिलीवर करना है। 556 किलोमीटर है, अराउंड कितना रुपये दे रहा है भाई ये, मेरे को देखना भी था, वो भी हम लोग को $12,000 दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सनल ट्रक डिलीवरी रहेगा, उस हिसाब से देखा जाए तो लाइक डिसेंट अर्निंग है। बहुत सेफली हम लोग इसको डिलीवर करना है वैसे तो। आई डोंट नो उसके अंदर लाइक ये एम्प्टी टैंकर है कि क्या है, कुछ फ्यूल भरा है कि क्या है, आई डोंट नो, बट हम लोग को इसको करना है। ओके यहाँ पे हम लोग भाई गुड लक के लिए हॉर्न मार देते हैं। यार ट्रक ना पावरफुल नहीं है, लाइक ट्रक में ना दिक्कत है, बहुत लाइक स्लोली उठ रहा है ये, मेरे को वही लग रहा है कि यार इसमें दिक्कत ना हो बाद में, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है भाई ट्रक। अच्छा हुआ यहाँ पे हम लोगों ने 24 टन वाला नहीं लिया, आई थिंक ये भी शायद 22 टन था। देखते हैं यार क्या होता है, भगवान भरोसे जा रहे हैं बस हम लोग। हम लोग को ना आज क्या करना है भाई, हम लोग को किसी भी तरीके से ना एक नए लोकेशन पे जाना है, वहीं पे जाके हम लोग सेटल होंगे। होपफुली हम लोग के पास पैसे रहे, बट आई डोंट थिंक हम लोग को गैराज खरीदने के लिए पैसे मिल पाएंगे उतने, तो मे बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इतना अर्न कर लूँ कि ताकि हम लोग एक अच्छे लोकेशन पे गैराज परचेस कर सकें। देखो अगर गैराज खरीदने के लिए पैसे रहे तो मैं गैराज परचेस कर लूँगा, अगर नहीं रहे तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक और ट्रक परचेस कर लें, जिसको हम लोग फिर से काम पे लगा दें, एक ड्राइवर को हायर करके जो हम लोग को लाइक अर्निंग डेली का प्रोवाइड करेगा, जिससे ना यार हम लोग का ही प्रॉफिट होगा। हम लोग को मतलब अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बैंक का जो लोन है ना उसका मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो एक एक करके मैं भर लूँगा। लाइक हम लोग डिलीवरी खुद ब खुद कर करके ना हम लोग कर सकते हैं, क्विक जॉब भी ले सकता हूँ जिसमें हम लोग का खुद का ट्रक हम लोग को नहीं चलाना पड़ेगा, सामने जो कंपनी का ट्रक है उसी को चलाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग का ना प्रॉफिट ही है सिर्फ, हम लोग को उसमें लॉस का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग का ना फ्यूल भरना है उसमें, ना ही हम लोग को डैमेज का हम लोग को कुछ उसमें चक्कर रहेगा, अगर डैमेज होगा भी तो कंपनी भरता है उसको। ओके यहाँ से अभी हम लोग हाईवे पकड़ रहे हैं। ओके अभी ना वैसे नाइट टाइम ही हो रहा है वैसे तो, हाईवे होपफुली एम्प्टी हो तो मैं भगा सकूं, बट हम लोग इस ट्रक भागे तो मैं भगा पाऊंगा। एंड एक और चीज़, यहाँ पे शोल्डर लेन में मैं चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग को स्पीड लिमिट नहीं रहता है, मतलब अगर मैं जितना भी 110 120 भी भगाऊंगा ना तो यहाँ पे हम लोग को पुलिस कोई भी फाइन नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है। एंड इसी तरीके से अगर मैं हाईवे में लेके चलूंगा, लाइक इस लेन में लाऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 80 का हम लोग का स्पीड का लिमिट हो चुका है। अगर हम लोग फिर से इधर चलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड लिमिट नहीं रहेगा। क्यों अभी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी टर्न आ गया, अभी आपको दिखाता हूँ, देखो अभी भी ऐसे हट गया है, तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा चीज़ है। हम लोग अगर लाइक क्विक डिलीवरी करना है, भगा के डिलीवरी करना है, तो हम लोग कर सकते हैं इसके हेल्प से। यार मैं भगा तो लूँ शोल्डर लेन में, बस हम लोग ये ट्रक जो है भाग ही नहीं रही है। 230 हॉर्स पावर, यार कब आएगा मेरे पास वो दिन जब मैं यहाँ पे 700 हॉर्स पावर तक का एक ट्रक परचेस करूँगा। पैसे तो कमाने पड़ेंगे इसमें अच्छे खासे। ऑब्वियसली हम लोग का सीरीज़ का गोल ही यही है कि हम लोग को यार रिचेस्ट बनना है यूरो ट्रक में, लाइक पूरा हम लोग को $1 million पर डे का गोल है, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। भाई अभी ना फॉगी वाला भी टाइम हो गया है, एंड जो ट्रक का लेंथ हो गया है ना, ट्रेलर का एक्चुअली जो लेंथ है ना अच्छा खासा लंबा है भाई, तो मेरे को ना टर्निंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम लोग सही तरीके से टर्न ले पाएँ, एंड कहीं पे हम लोग क्रैश ना करें। मैं चाह रहा हूँ कि एक्सीलेंट हम लोग को मिले, मतलब जो रेटिंग मिलता है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला रेटिंग मिले, बिकॉज ऑब्वियसली यार हम लोग को टॉप नॉच वाला ड्राइवर बनना है। ओके तो यहाँ पे अभी मैं आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा बकबक करते हुए, सीधे हम लोग मिलते हैं डिलीवरी स्टेशन पर। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो भाई मैं किस लोकेशन पर, यहाँ पे ना हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग को अपने सीरीज़ में शिप से ट्रैवल करना है, मतलब हम लोग का जो ट्रक है हम लोग को शिप दूसरे साइड लेके जाएगा, जो कि यार फर्स्ट टाइम रहेगा हम लोग का ये एक्सपीरियंस यहाँ पे। एंड भाई इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ क्यों पार्क्ड हैं ऐसी। ओके लेट्स गो, यहाँ पे हम लोग के लिए शिप भी खड़ा हुआ है एक्चुअली, जो कि तुरंत हम लोग को दूसरे साइड में ड्रॉप करेगा। इसका भी पैसा मेरे को भरना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मैं कंपनी का ट्रक चलाता तो कंपनी को ही पैसा भरना रहता है। कहाँ पे पार्क करें, यहाँ पे सामने में जगह है, और भी बहुत सारी ट्रक्स खड़ी हैं यहाँ पे, तो इसी के साथ हम लोग भाई दूसरे साइड जाने वाले हैं, मतलब जिस साइड से हम लोग उसके क्रॉस करके ओशन क्रॉस करके हम लोग जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम लोग हेलसिंकी में हैं, एंड हम लोग को भाई ये हेलसिंकी से किधर ड्रॉप कर रहा है, यहाँ क्यों ड्रॉप कर रहा है,
ना 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 यहाँ चलना है। हाँ टालिन, 2 hours 30 minutes and $430 हम लोग को इसके लिए पे करना है। लेट्स गो, फर्स्ट ट्रैवल है हम लोग का शिप से। ओके यहाँ पे हम लोग का जो ट्रैवल था शिप से कंप्लीट हो चुका है। एंड यार हम लोग को ना ट्रक को अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है मैं ठगा गया हूँ क्या, इतना कम हॉर्स पावर वाला मैंने ट्रक बहुत जल्दी परचेस कर लिया अपने लिए। होते हैं बैड डिसीजन भी होता है हम लोग का, अगर जो पैसा है हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कभी कभी होता है कि वो वेस्ट भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ इस ट्रक से ना तो मैं इसको सेल कर दूंगा। सेल करने के बाद हम लोग ना जो पैसा थोड़ा बहुत मिलेगा ना उसके हेल्प से हम लोग एक अच्छा खासा हम लोग ट्रक परचेस करेंगे। 500 horsepower जो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो बस अभी हम लोग को ना 292 kilometers ट्रैवल करना है, जल्दी से मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे ना हम लोग अपने डिलीवरी लोकेशन के पे बहुत क्लोज आ गए हैं। रीगा करके लोकेशन है एंड लातविया में है हम लोग। तो यहाँ पे भाई एक गैराज भी मेरे को ऐसे दिख रहा है मैप में, बट यहाँ पे नहीं लूँगा, ये ना मेरे घर के क्लोज ही है ऑलमोस्ट। मैं बोला ना एक अच्छे खासे बड़े सिटी में हम लोग लेने का ट्राई करेंगे। यार ये जो ट्रक है ना कुछ ज़्यादा ही स्लो है एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 kilometers ट्रैवल करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, लाइक इससे बहुत ज़्यादा फास्ट मैं चलाता हूँ। ये ट्रक का टॉप स्पीड ना 85 ही समथिंग अभी तक जा रहा है। बाकी अगर मैं किसी कंपनीज का ट्रक लेता हूँ ना वो 110-120 ईजिली टच कर जाता है, जो कि यार हम लोग का जो डिलीवरी टाइम है ना उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना लेता है। 5 kilometers से बचा है, मतलब हम लोग उसी लोकेशन पे, बस हम लोग को ड्रॉप पॉइंट तक जाना है। ग्रीन लाइट है, येल्लो हो गया। मैं जा रहा भाई, येल्लो में भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे अभी कमा लेंगे हम लोग। ओके तो हम लोग यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन पे आ गए हैं। ऑब्वियसली मैं इसको लाइक जहाँ पे भी इन लोगों को पार्किंग चाहिए मैं वहाँ पे पार्क करके दूंगा, बिकॉज हम लोग प्रो ड्राइवर्स हो ही गए हैं। बस हम लोग का ट्रक हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। ओके किधर पे चाहिए बताओ, आगे चाहिए, लेट्स गो। ये तो ईजी रहेगा, बहुत जगह है यहाँ पर हम लोग को टर्न करने के लिए। यहाँ पर मेरे को भाई ट्रेलर्स दिख रहे हैं जिसमें लाइक लोडेड है ट्रेन भी, ट्रेन इंजन लोडेड है, जिसको हम लोग चाहे तो डिलीवरी कर सकते हैं, बट ना 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 आई विल नॉट, बिकॉज हम लोग का ट्रक नहीं है उतना पावरफुल। यस फाइनली हम लोगों ने वन टाइम में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोकेशन पे कौन कौन से हम लोग को डिलीवरी मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सीलेंट मिला है, $12,000 मैंने कमाया है एंड हम लोग का लेवल टेन हो गया है, जो कि अच्छा है। करंट कंपनी जॉब ऑफर देखते हैं, अनअसाइंड। ओके हम लोग का स्किल पॉइंट मिला है, जस्ट इन टाइम इको ड्राइविंग, ये क्या है यार। मेरे को ना हैवी भी चाहिए, हाई वैल्यू कार्गो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग को पैसे बढ़ेंगे उससे। फिलहाल तो हाई वैल्यू कार्गो मैंने लिया है, अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग को इसमें से कौन कौन से मतलब डिलीवरी करने दे रहा है। लातविया से हम लोग को किधर भेज रहा है, ये यार डेनमार्क के साइड भेज रहा है। ये ट्रेन इंजन जो मैं भाई 27 ton, ओ भाई 70 ton का है, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, नो चांस ऑफ डूइंग इट। 26 ton है और कोई सा कम, यार यहाँ पे ना सारे की सारे ही एकदम हैवी वाले। ओ भाई यहाँ पे रशिया हम लोग को भेज रहा है। सो यहाँ पे ना ये कंपनी से मैं अभी ऑफर नहीं लूँगा, अभी हम लोग आसपास और कोई कंपनी है पहले वो चेक करते हैं। वर्ल्ड मैप में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो एक ये यहाँ पे अभी है, यहाँ रोजमार्क जा सकते हैं, एनएस केमिकल जा सकते हैं, ये दो कंपनीज में मैं चेक कर लेता हूँ पहले। यार हम लोग को कोई अच्छे खासे लेस वेट वाला जॉब मिल जाए ना, जो हम लोग उसी को अभी लेंगे। फिलहाल हम लोग का ट्रक अभी उतना पावरफुल है ही नहीं। तो यार यहाँ पे अभी हम लोग एनएस केमिकल तरफ पहुँच गए हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग को किस टाइप का जॉब मिलता है, किस लोकेशन पे हम लोग को ड्रॉप लोकेशन हम लोग को जो सा मिलेगा उस हिसाब से यार हम लोग जॉब लेंगे। यार ये वापस से मेरे को उधर, ओके ये मेरे को मिला है, ये मेरे को हंगरी में भेज रहा है एंड 16 ton का है सिर्फ। हम लोग को पैसे भी अच्छे खासे दे रहा है, $39,000 हम लोग को 1300 kilometers ट्रैवल करना है, $39,000 देगा। तो ये ही मैं लेता हूँ फिलहाल, मेरे को मतलब इसी लोकेशन पे कहीं जाना था तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ओके हम लोग का नेक्स्ट जॉब, वैसे हम लोग को यहाँ पे रेस्ट भी करना पड़ेगा आई थिंक अभी, क्योंकि हम लोग लाइक टायर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का शो कर रहा है उसमें। तो बीच रास्ते में कहीं पे अगर मेरे को लोकेशन लाइक रेस्ट करने का ये जगह मिलेगा तो हम लोग रेस्ट भी करेंगे। फ्यूल अभी हम लोग के पास है, अभी ठीक ठाक फ्यूल है, हम लोग को फ्यूल का टेंशन नहीं है। तो 16 ton का ये केमिकल हम लोग, भाई कुछ है केमिकल इसके अंदर, हम लोग को इसी को डिलीवर करना है, स्टार्ट करें हैं फर्स्ट अभी हम लोग इसमें। भाई ग्रीन लाइट है, ओके लेट्स गो। यहाँ पे बगल में एक गैराज भी आ रहा है जिसको हम लोग चाहे तो परचेस कर सकते हैं, बट नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे को जिस लोकेशन पे करना है ना वो थोड़ा अच्छा रहना चाहिए एंड मेरे लाइक ऑलरेडी मेरे गैराज के थोड़ा क्लोज है। ये रहा है भाई, ये ट्रिपल गैराज है, इसके हम लोग को खरीदने के लिए ना $180,000 चाहिए, जो कि अभी मेरे पास है भी नहीं।
अभी $39,000 से जो मेरे पास आएगा इसके हेल्प से हम लोग भाई एक गैराज एक और खरीद सकते हैं। अच्छा गैराज रहना चाहिए यार बस, अच्छा इन द सेंस हम लोगों ने अच्छे सिटी में ही गैराज लेना है अब, क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा उससे। ओके तो शायद अभी हम लोग ना हाईवे की तरफ पहुंच गए हैं, आई थिंक सो। आगे एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है जहाँ पे रेस्टिंग एरिया है। आई थिंक अभी रेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज अभी है थोड़ा बहुत। आई थिंक अभी हम लोग ना और थोड़ी देर ड्राइव कर सकते हैं ऐसा देख के तो लग रहा है। लेट्स होप हम लोग को बीच रास्ते में जहाँ पे कोई भी रेस्टिंग एरिया ना हो वहाँ पे ऐसा ना हो कि भाई हम लोग का जो ट्रक ड्राइवर है पूरा ही टायर्ड हो जाए। भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है एंड लाइन से भाई एक ही टाइप के ट्रक्स आ रहे हैं। ओ भाई क्या हो रहा है भाई अचानक से, लाइक क्या तुम लोग का टाइम निकला है क्या इन लोग का कि भाई अब अलाउ कर रहे हैं ट्रक वालों को? देख रहे हो लाइन से ट्रक्स ही ट्रक्स हैं पूरे। अच्छा हुआ इस साइड में ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो मेरा तो और दिमाग ख़राब हो गया था अभी तक। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वी आर व्यू पॉइंट में रुके क्या? मैं अभी तक व्यू पॉइंट को एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ कोई भी। लेट्स सी अभी हम लोग का टाइम है, हम लोग के पास अच्छा खासा डिलीवरी कर सकते हैं एंड रेन भी स्टार्ट हो गया तो अब व्यू पॉइंट में रुकना तो बनता है भाई। ओके देखते हैं कैसा रहता है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा ये व्यू पॉइंट एक्चुअली। क्रैश व्हीकल, कौन सा व्हीकल क्रैश किया मैंने? इंजन को बंद किया जाए एंड व्यू पॉइंट। ओ रीगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके हम लोग रीगा सिटी में है शायद तक, बस इतना ही दिखाएगा क्या कि और अच्छे से दिखाएगा कुछ? ये क्या व्यू पॉइंट है यार, कुछ तो है नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है। बस एक तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो गया है। फर्स्टली हम लोग का लाइक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा हैवी रेन में हम लोग को यार डिलीवरी करने का। भाई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना, आगे से आ रही, आगे वाला रुकेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पे ना कुछ रेन में मेरे को ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई डिलीवरी करने में। लाइक ये जो रेन ड्रॉप्स है ना बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं एंड बाहर से भी दिखाऊँ आपको लाइक एक अच्छा खासा। ओ भाई कहाँ से आ रहा है मैन, 10% डैमेज हो गया, मेरे को बोलने नहीं दे रहे इन लोग। मैं बोला था बाहर से कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा ये लग रहा है, लाइक ये ओवरऑल जो वेदर है ऐसे वेदर हमेशा रहे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड अंदर से तो अलग ही फीलिंग है भाई इसका। तो यार अभी हम लोगों को यहाँ पे ना 1200 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, टोटल हम लोग को 1300 था, हम लोगों ने 100 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया है। जल्दी से मैं ये कंप्लीट करता हूँ यार। भाई बहुत ज़्यादा क्लोज था ये यहाँ पे मैं बहुत गंदा वाला क्रैश करता। आई थिंक रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स हो जा। ओ भाई फंसना मत प्लीज़, फंसना मत। डिफरेंशियल है क्या अपने ट्रक पे? प्लीज़ फंसना मत। ओ मैन क्या हो गया ये? आगे चल रहा आई थिंक। ओ भाई बहुत गंदा वाला फंसा हुआ लग रहा है मेरे को। कोई डिफरेंशियल का ऑप्शन है इसमें? ओके डिफरेंशियल एक्टिवेट हुआ है आई थिंक अभी। लेट्स होप निकलेगा स्लोली स्लोली, मेरे को पिक करना पड़ेगा ट्रक को।